कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी द्वारा मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में 20 करोड़ से अधिक धनराशि का चेक प्रदेश के डीजीपी के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया, जिससे कोरोना का समुचित इलाज कराया जा सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग को प्रदेश की जनता की तरफ से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि कोविड 19 फंड में दिया गया दान प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस सुरक्षा के साथ लोगों की सेवा भी प्रदान कर रही है, जो सराहनीय कार्य है। पुलिस द्वारा किया जा रहा सुरक्षा और सेवा दूसरों के लिए भी प्रेरणा प्रदान करेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी की ओर से यूपी कोविड केयर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आज प्रदेश के अंदर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे सिविल पुलिस और पीएसी के जवानों ने कोरोना वायरस के खिलाफ जो एक लड़ाई देश की चल रही है, इसमें जिस प्रतिबद्धता के साथ अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और कर रहे हैं, वो अत्यंत सराहनीय है। न केवल सुरक्षा के मोर्चे पर, अभी तो तबलीगी जमात से जुड़ी हुई समस्या आई थी, तब भी एक हाई रिस्क जोन था, वहां पर भी इन लोगों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया। जब अचानक दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों से बड़ी मात्रा में पलायन शुरू हुआ उत्तर प्रदेश की ओर, उस समय भी वहां पर उन लोगों की सेवा के साथ साथ उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की शासन की योजना के तहत कार्य करने के साथ ही 21 दिनों के प्रारंभिक लॉकडाउन के कार्यक्रम के दौरान पीआरबी 112 के माध्यम से प्रत्येक जरूरतमंद तक भोजन और अन्य सहायता उपलब्ध कराने का जो कार्य किया गया था, उसने एक नई छवि पुलिस की स्थापित की है, बनाई है। और एक तरफ सुरक्षा और पब्लिक फ्रेंडली पुलिस के रूप में जो कार्य यूपी पुलिस के द्वारा किया गया है, यह तो एक उदाहरण है ही, साथ साथ अपने स्वयं के वेतन में से धनराशि इकट्ठा करके 20 करोड़ की राशि आज उत्तर प्रदेश के कोविड केयर फंड में, जिससे यहाँ पर आरोग्य की सुविधाओं को हम बेहतर कर सकें, इसके लिए आज प्रदान किया है। मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, पुलिस के सभी अधिकारियों, सभी कर्मियों को इसके लिए हृदय से प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस प्रतिबद्धता के साथ वे लोग कार्य कर रहे हैं, जनता की सुरक्षा और उनकी सेवा में पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं, ये निश्चित ही अन्यों के लिए प्रेरणा बनेगा। मैं अपनी ओर से पुलिस फोर्स के सभी जवानों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ।